जरूरी क्या चाचा? ओके टू में सबसे तेज जीवन में आगे बढ़ना है। हां वही वही चलेगा। रोल है, साउंड चेक सब साउंड। ओके चलो करें रोल है यार। रोल रोल से क्या करेंगे? द शो दैट वी आर डूइंग, हम जो शो कर रहे हैं उसका नाम है इट्स नॉट दैट सिंपल सीज़न टू। जो सीज़न वन था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट शोज़ जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वूमन को दिखाया गया और वो कैसे अपने ट्रबलसम हस्बैंड के साथ डील करती है। एंड शी हैज़ समथिंग लाइक एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। सो इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टाइम्स ऑन टेलीविजन और एनी मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग और कॉन्सेप्ट वॉज शोन, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट दिखाया गया। तो इस बार हमने कोशिश की है कि हम बाउंड्रीज को और भी पुश करें, कुछ और नया रिफ्रेशिंग दिखाएं। मेरे कैरेक्टर का नाम राजीव है, जो स्वरा भास्कर जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है उनका अच्छा दोस्त है। उनका सीज़न वन में उनका लव इंटरेस्ट राजीव था अलॉन्ग विद अक्षय ओबरॉय, सो देयर इज़ अ लव ट्रायंगल। बट इन सीज़न टू बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। There are some new faces on the show, and but Rajiv is still part of the show. वो स्वरा के best friend बन चुके हैं और कैसे उनका progression कैसे हुआ है, उनकी growth क्या हुई है show में, वो season 2 में आपको देखने को। Season 2 काफी अच्छा successful रहा है। Season 2 में pressure था, sorry season 2 में कोई pressure था? हाँ, अच्छा गया है audience का। Actually जब season 1 launch किया गया तो शायद इतना सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन जब लोगों ने कोशिश की उसको देखने के लिए, उसे समझने के लिए, तो इट ग्रू बाय वर्ड ऑफ माउथ। एंड दैट वाज व्हाट वाज अमेजिंग अबाउट द शो, क्योंकि एक साल के बाद भी लोग आते थे और देखते थे, मैंने आपका शो देखा। मैंने बोला कौन सा शो? तो बोला इट्स नॉट दैट सिंपल। तो वर्ड ऑफ माउथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और आई थिंक दैट्स व्हाट विल हैपन विद सीजन टू एज वेल। और बहुत प्रेशर था हमारे ऊपर, राइटर्स के ऊपर, डायरेक्टर के ऊपर, प्रोड्यूसर के ऊपर, कि हम ऐसा कुछ करें जो पहले नहीं देखा गया है। यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर टू डू समथिंग न्यू एज ऑलवेज। सीजन टू में बहुत सारे नए कैरेक्टर्स हैं, नया कास्ट है, इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप ट्विस्ट और टर्न्स हैं। तो आपको ऑफकोर्स स्वरा इज द मेन लीड ऑफ द शो, तो स्टोरी उनके अराउंड ही रिवॉल्व होती है, लेकिन इट्स इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट न्यू थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन द शो। थैंक यू। सवाल कैसे हो? इट्स वेरी एक्साइटिंग। रूट का नया वर्जन आ रहा है और बहुत सारे नए नए शोज़ आ रहे हैं और बड़े अच्छे शोज़ हैं और अलग किस्म का कंटेंट है। इट्स वेरी ब्रेव ऑन रूट्स पार्ट टू बी एबल टू एक्सपेरिमेंट सो मच ऑन दैट प्लेटफॉर्म। मैंने इट्स नॉट दैट सिंपल का सेकेंड सीज़न है उसमें काम किया है। बड़ा अच्छा शो है, बहुत गाढ़ा लिखा है उन्होंने और एक अलग किस्म की अप्रोच है कहानी कहने की, तो आई होप लोगों को पसंद आए। मुझ पे तो कोई प्रेशर नहीं था, स्वरा पे प्रेशर था। मैं तो तफरी करने आया था, तो मुझे बड़ा मज़ा आया सेकंड सीज़न करके और बहुत एक्साइटिंग थी। मैं दानिश के साथ मैंने पहली बार काम किया। दानिश असलम हमारे कैरेक्टर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और सटीक काम करते हैं। सीज़न वन मैंने जब काम करने लगा तब देखा, उस समय नहीं देख पाया था मैं, उस समय मैं खुद कुछ कर रहा था। बहुत ही खुशी की बात है, शादी हो रही है और आई होप के शादी करके मज़ा आए। किसको? वूट 2.0 के लिए वूट को ढेर सारी बधाइयाँ और ऑल द बेस्ट, और आई होप कि वो इसी तरह से ब्रेव कंटेंट बनाते रहें, अलग किस्म का कंटेंट बनाते रहें और हमें काम देते रहें।
थैंक यू गाइस थैंक यू सर विजय सर शॉर्ट ठीक सर उतरा अगले पहनो यार ऐसा मत करो एक मेरे लिए भी सर को होल्ड ऑन सर सर ओके थैंक यू सर थैंक यू सर रुको सर एक बार So how's the press conference going? It's going very well. How's that happen? I've answered all the questions. यही कहना चाहेंगे कि आने वाला है बहुत मज़ा आया शूट करके एंड यू नो दिस टाइम इट्स बिगर और द लेंथ इज़ ऑल्सो बिगर एपिसोड भी ज़्यादा हैं एंड स्टोरी भी ज़्यादा खुल गई एंड देर लॉट मोर कैरेक्टर्स दैट हैव कम इन एंड मेड इट मच मोर एंटरटेनिंग तो वेट कर रहा हूँ जल्दी से आ जाए और आप सबको दिखे एंड एवरीबॉडी एंजॉय इट मैं वैसे ही दिखूँगा जैसे पहले दिख रहा था बट अगेन इट्स अ फ्लिप साइड वेयर जैसे आपने देखा था कि सीजन वन में वाइफ निकल जाती है हस्बैंड को छोड़ के अब इसके बाद हस्बैंड का कम बैक क्या होगा सो एंड प्लस ही हैज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन गुड लुकिंग मैन तो वो सब चल रहा है सीजन टू में छोड़े देखेंगे आज कैसी लग रही है उस हिसाब से डिसाइड करूँगा इनफैक्ट मैं कल ही किसी से बात कर रहा था बहुत अच्छी चीज़ है सोशल मीडिया प्लस लॉट ऑफ द डिजिटलाइजेशन इन द डिजिटल वर्ल्ड टैलेंट छुप नहीं सकता जहाँ पर भी हो एक हल्का सा गाना गा देता है और पोस्ट कर देता है और अपने आप उसे बॉम्बे खींच लेता है अंकल जी ने डांस किया एक वेडिंग में और सीधा वो डांस दिवाने के स्टेज पर थे तो बहुत अच्छी चीज़ है ये कि यू नो यू कैन गेट द टैलेंट राइट एट योर ऑन योर फोन एंड वेट करने की ज़रूरत नहीं होती किसी को या बॉम्बे आने की ज़रूरत नहीं होती कहीं भी बैठे किसी भी गली कूचे नुक्कड़ में किसी भी कस्बे में आप अगर टैलेंटेड हो तो आपको बुला लिया जाएगा डर भी लगता है क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है नहीं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए थैंक यू चलेगा जाओ सर जी मैं आपका लूंगा सर आप मेरा लो मैं आपका लेता सर कब दिखेंगे आप आई टी एस टू में सर सर मैं कौन से एपिसोड में आएंगे ऐसे बात नहीं कर सकता इसके बारे में अच्छा अच्छा आई एम कॉन्ट्रैक्टेड आई एम कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड ये तुम्हारा हो गया हां सर आपके लिए बैठा असली सरप्राइज गया आईटीएस एक्चुअली आईटीएस मेरा शो है मतलब पोस्टर पे लगाया नहीं बट आई एम द सरप्राइज पैकेज सर तो कोई सवाल पूछ रहा है कि कैसा है मेरा शो आ रहा है इस पे इट्स कॉल लॉन ऑनर वूट के साथ मैंने ऑल्सो INTS किया है इट्स नॉट दैट सिंपल एंड आज INTS 2 भी लॉन्च हो रहा है जिसमें मैं नहीं हूँ बट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज जो लोग इससे जुड़े हैं मेरे दोस्त हैं दानिश असलम करणवीर सुमित व्यास सो इट्स अ ग्रेट शो एंड आई थिंक यू गाइस शुड ऑल चेक इट आउट यू शुड ऑल्सो चेक आउट आवर शो कॉल लॉन ऑनर यार एक्चुअली मैं नहीं हूँ इट्स नॉट दैट सिंपल पार्ट वन में मैं था एंड वूट डिसाइडेड टू नॉट टेक मी इन द सेकंड सीजन विच वॉज देयर मिस्टेक नाउ आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दैट बट आई हियर इट्स अ ग्रेट शो एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग इट बिकॉज आई हैड गुड फन इन INTS 1 हाँ जी बोलिए अरे बिल्कुल तो आपको क्या लगता है मुझे तो होना चाहिए था ना उसमें आप भी मतलब आपके शिकन आ गया आपके चेहरे पर भी आपको गुस्सा लग रहा है कि मैं नहीं हूँ शो में आई थिंक पीपल विल बी वेरी अपसेट जब देखेंगे मैं नहीं हूँ बट ठीक है मतलब बूट अपना डिसीजन लिया और मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ उनको पता है वो क्या कर रहे हैं
INTS में पता नहीं यार, वो सवाल तो आपको दानिश असलम और वूड टीम से पूछना पड़ेगा कि मैं हूँ कि नहीं INTS पार्ट टू में या थ्री में या फोर में, बट फिलहाल तो मैं लॉ एंड ऑनर में हूँ जो मेरे ख्याल में इसके बाद रिलीज़ होगा। हम अभी इस दौरान शूट कर रहे हैं, इसमें पीयूष मिश्रा हैं, नेहा शर्मा हैं, मैं हूँ, काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं, तो मैं शो को लेकर के काफ़ी एक्साइटेड हूँ बिकॉज इट्स इंडियाज़ फर्स्ट लॉ शो, सो आई थिंक इट विल बी अ गुड वन। बहुत बढ़िया यार, आज के डेट में जो वेब सीरीज शूट हो रहे हैं वो फिल्म और वेब सीरीज में कोई अंतर नहीं है, दे शूटिंग एट द सेम क्वालिटी, जो लोग जुड़े हैं वेब सीरीज से वो फिल्म वाले ही लोग हैं, तो इट्स वेरी चैलेंजिंग, इट्स गुड वर्क, अच्छा कॉन्टेंट है, लोग देख रहे हैं, तो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम आई थिंक एक्टर्स डायरेक्टर्स राइटर्स सबके लिए। बिल्कुल यार, और ऐसे ही होना चाहिए था, पता नहीं है बॉलीवुड में ऐसा क्योंकि सिर्फ फिल्मों के कारण और फिल्मों के माध्यम से लोग स्टार्स बनते हैं, और वो बड़ा बंद ऐसे मतलब एक दायरा है उसका, एटलीस्ट यहाँ पे चीज़ें खुल रही है, इंडस्ट्री खुल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, और एज लॉन्ग एज यू आर टैलेंटेड एंड गुड आप अपना नाम बना सकते हो, और वो बहुत बड़ी चीज़ है। लॉ एंड ऑर्डर का USP ये है कि इट्स इंडियाज फर्स्ट लॉ शो, आई थिंक दैट्स अ वेरी एक्साइटिंग थिंग बिकॉज इस तरह से हमने लॉयर्स को दिखाया नहीं है, हमने सिर्फ योर ऑनर लोग बैठे हैं जज में चला रहे हैं चीख रहे हैं, बट वी हैवंट शोन द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल दैट लॉयर्स एंड बिग लॉयर्स हु मेक अ लॉट ऑफ मनी इन आर कंट्री हैव, एंड आई थिंक इट विल बी एन इंटरेस्टिंग टेक इन पर्सपेक्टिव ऑन दैट। अमेरिका में तो हमने बहुत देखा है सूट्स वगैरह वगैरह वगैरह, लॉ एंड ऑर्डर था बहुत एक वेस्ट विंग था तो एक बहुत अलग लेवल का दिखाया है, बट दिस फर्स्ट टाइम विल शोड इन इंडिया ऑन दैट सेम लेवल। Thank you. हाँ जी बोलिए। ये एक्चुअली इसके बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि जहाँ तक किरदार का सवाल है तो ज़्यादा बोलना फिर आपकी मिस्ट्री खत्म हो जाएगी कि एक्चुअली व्हाट इज़ डूइंग। तो है कुछ मतलब बहुत ही शातिर किस्म का, बहुत ही पहुँचा हुआ लॉयर है, सुप्रीम कोर्ट तक उसकी पहुंच है और वो इतना बड़ा लॉयर है कि उसके आने पर जो जज में भी खलबली मच जाती है। तो वो उसकी व्यक्तिगत ज़िंदगी है और कैसे वो हाउ ही मैनिपुलेट्स एवरीबडी अराउंड हिम, और बहुत ही स्वीट बातचीत करने में, बहुत वेल रेड और बहुत लंबा चौड़ा बैकग्राउंड है उसका। इमरजेंसी के टाइम में जो है आपके मतलब लड़ा था वो, तो ही कुड हैव बीन अ वेरी वेरी एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिशियन, तो उसको समझना बड़ा मुश्किल है। मतलब एक छोड़ एक बंदे के जो उसका खास अनुचर है रणदीप, उसके अलावा कोई भी उसको समझ नहीं पाता, सबके लिए वो डिस्गाइज है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। यार मुझे जो अभी अमेरिका में जो हिसाब किताब है उसके हिसाब से तो यार बहुत सक्सेसफुल होने वाला, लेकिन वहाँ पर एक खास बात है कि ये हम सोच रहे थे कि जब अगर ये बनेगा वेब सीरीज़ वगैरह तो सिनेमा मर जाएगा, ये खाम ख्याली रही। सिनेमा ही है, सिनेमा में कुछ बात है, थिएटर मर नहीं सकता, स्क्रीन थिएटर मर नहीं सकता क्योंकि वहाँ अब भी सिनेमा बन रहा है, तो ये बन जाएंगे, अच्छी बात है, घर बैठे होम थिएटर मिल रहा है आपको, मेरी वाइफ 24 घंटे दिखती रहती है,
लेकिन मेरे ख्याल से सिनेमा जो है ना वो सिनेमा की पहचान अलग ही रही, सिनेमा हमेशा रहे। और कुछ सर, अरे सर कैसे सर, बस बस ठीक है। क्या है क्या जी देखिए, ये बेयर फुट का मतलब क्या होता है? बेयर फुट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पैर में जूते या चप्पल या सैंडल नहीं है। बेयर फुट का मतलब होता है कि आदमी ज़मीन के टच में, जैसे आपने सुना होगा बेयर फुट डॉक्टर, बेयर फुट लॉयर, बेयर फुट टीचर। तो ये एक जो पूरी नेशन होती है उसमें तरह तरह की चीज़ें होती हैं। ये बेयर फुट स्पोर्ट्समैन कि जब नेशन का एक सोर्स ऑफ प्राइड जो है कि जो आप देखिए आज हो रहा है, हमारे प्लेयर्स गोल्ड ले रहे हैं, सिल्वर ले रहे हैं, तो कुछ ऐसे ही प्लेयर्स हैं हमारी हिस्ट्री के जिनके बारे में ये कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग और सच्ची कहानी है, जो कि बेयर फुट है। नहीं, वो ज़माना गया कि जब स्पोर्ट्स जो है वो कोई ऐसी चीज़ थी जो कि करियर नहीं बन सकती थी। एक वक्त था कि लोग करते थे फिर भी खेलते थे और स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते थे, लेकिन कोई टॉफों ने जो कॉस्ट ऑफ द करियर। लेकिन आज जो मीडियम्स आ गए हैं कम्युनिकेशन के, उसकी वजह से स्पोर्ट्स भी एक बहुत लुक्रेटिव फील्ड हो गई है। तो वो ऐसी बात नहीं है कि आदमी कोई काम करेगा या स्पोर्ट्स करेगा, स्पोर्ट्स भी एक काम हो गया। थैंक यू। सर, सोशल मीडिया के बारे में जानना चाहूँगा कि लोगों का नज़रिया बदला है सोशल मीडिया की वजह से, और मूवीज को भी अभी मजबूर हो गई है कि अच्छे कंटेंट बनाए बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। मैं यही कहूँगा कि सोशल मीडिया से कम्युनिकेशन बढ़ा है और कम्युनिकेशन की स्पीड बढ़ी है। अब वो आप, ये तो सोशल मीडिया अपने अंदर ना अच्छा है ना बुरा है, वो तो एक प्लेटफॉर्म है जिस पर आप चीज़ रख देते हैं और हर एक को दिखाई देती है, सुनाई देती है। सवाल ये है कि आप उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो आप पर है। कुछ लोग उसे अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग अच्छी तरह नहीं कर रहे। देखिए, ये इसकी रीच बड़ी कमाल की है। जो ये जो हमारे नए जो फॉर्म्स आ रहे हैं कम्युनिकेशन के, इनकी रीच बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं तो पहली बार कर रहा हूँ ये, और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होगा। इसमें फॉर्मेट भी चेंज हो जाता है। हम फिल्म लिखते हैं तो एक फर्स्ट हाफ है, एक सेकंड हाफ है, बीच में एक 10 मिनट का इंटरवल है, तो लेकिन इसमें तो स्ट्रक्चर अलग होता है, तो मेरे लिए भी एक एक्साइटिंग चीज़ है। आप ले लीजिए ना। गुड इवनिंग सर, सो ऑनर्ड टू हैव यू हियर एंड टू हैव यू पेन दिस सीरीज फॉर अस। प्लीज अ फ्यू वर्ड्स। ओके, यस सर। This is my better profile. My apologies. Hello, everybody. This is the first time in my life that I'm going to write a web series. And whenever you are doing something for the first time, you are excited. I remember so very clearly when I wrote my first song for Mr. Yash Chopra, Dekha Hai Khwab To Ye Silsile Hue. And I remember many years ago when I wrote my first film as a dialogue writer on 100 rupees per month. Thankfully, this time I'm getting a little more. Barefoot 11.
Now, 11 is obviously not a very mysterious thing. If you put one more in 10, it becomes 11. But what is barefoot? What is the meaning of barefoot? People without shoes and sandals and chappals? Or more than that? Actually, barefoot doctor, a barefoot lawyer, a barefoot teacher, barefoot activist. Now, activist is a four-letter word nowadays. It means there is nothing between them and the ground, and the earth, and dharti. They are in touch with the ultimate reality, that is the land underneath our feet. That is barefoot. And a game, a sport, is just not a sport, just not a game. It's much more than that. You know, you feel find an identity, you will feel proud of your nation, of your identity, for so many reasons. And one of them is sports. Today, these golds and these silvers that are coming are making us feel better, good. At least something good is happening. It is, this story is about those people who made us proud, who made us feel wonderful that we are Indians. People who kicked the football and it went in the goal. Nowadays people kick the goal like a football. Things have changed nowadays. So thank you very much. It is really an honor and pleasure to get this opportunity, and I know that I'm thoroughly going to enjoy writing it. And it's my experience that you only do any work with any degree of competence only if you're enjoying doing it. Thank you. Thank you, Javed sir. Thank you very much. It's our honor, truly, that you're writing this for us. And I would like to call on the producers, the legendary creative genius, Cyrus Oshidar, at 101 India. I would like to call upon Rohit Tubnet and our director, Rohit Ved. Please stand up. Sorry, Javed sahab, they've abandoned you. No. But we are here. The show is on boot. Oh, all right. Thank you for the late entry. Thank you. And the writer of the story, Neeraj Sachdeva. Thank you so much. Thank you for being here. And I think more on Barefoot 11 later. It's a beautiful story. It's a very, very uplifting, historic journey of football in India back in the late 1940s. And more when we release the show on boot. Thank you very much. Thank you, Javed sir, backstage. And thank you. And also, I must say that... So you want me to use this mic? Really? It's all yours. Okay, thank you. And if you guys could just be here, I will quickly announce the next show also, which we are doing with 101 India, which is Wo Kala Ladka. Stage.
सत्यदीप मिश्रा, हेलो थैंक यू, एंड कुब्रा सेफ, हेलो हेलो, ऑल राइट. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू कॉल अपॉन द वंडरफुल राइटर ऑफ द सीरीज, द वेरी फैबुलस रेशु रेशुनाथ, the director Sahir Raza, the director of photography Sameer Arya, and of course the powerhouse Samar Khan from Irada Entertainment. Please, this is the wonderful cast and crew of the show, ladies and gentlemen, and I have one question for all the lawyers on stage, not the fabulous crew but the lawyers on stage. Do lawyers really have a conscience? I want it answered as quickly as possible for us to see the show. Yes. Piyush ji. हाँ होती है, खूब होती है. अरे खूब 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 होती है. वो कॉन्शियस होती है उनके अपने क्लाइंट्स के लिए, जो उन्हें पैसे देते हैं, जो उन्हें अपॉइंट करते हैं, तो उस वक्त से जो उनकी कॉन्शियस हो जाती है, उनके क्लाइंट वो क्या चाहते हैं, वो उनका रिजल्ट जो है लाने की कोशिश करते हैं पूरे तन मन धन से. इंकलाब जिंदाबाद. Okay, as Niharika, I thought that I was told that they don't. I've become a lawyer to prove that they do. Wonderful. Conscience is that very tiny voice in your head that tells you right from wrong, and some people listen to that voice and some don't. Well, as a corporate lawyer, it really depends on the job. Yes, that's a deep one. I agree. And what do you do from behind bars? Stare at you. Thank you very much. We like even the stare. Thank you, Kubra. Thank you all. Thank you very much. Yes. Thank you. All the artists backstage, please. And thank you, guys. Oh, okay. Okay. Yes. Thank you for your patience, folks. Yes, moving on. My personal favorite. Let me just put it like that. Can you guys hear me? Yeah, yeah. Thank you. Yeah, so I'm very proud to announce Barun Sobti, the heartthrob of the nation, is going to play one of the forensic scientists, a wonderful, wonderful role, a very dynamic role, and Barun has loved it. And Barun is going to be joined by a leading Bollywood actor who plays his mentor and an older forensic scientist, and the two of them will have to hunt down the Asur from the ghats of Banaras to wherever else he goes, delve into mythology, into the demon inside of everyone. Varun, you'd like to say something? I just like to say that I'm very thankful that I was actually cast for this role by Tanveer. And with the kind of promise the show makes, actually, is it's a thriller show. And the premise of the show is going to be basically mythology versus science. Yes. I'd like to call upon the writers of this series, the crazily dark, twisted brains that they are, Gaurav Shukla, Niren Bhatt, and Vinay, please come on stage. And also the totally whacked out and twisted director, we had to really figure out, the producer and the creative, Tanveer Bukwala. Together, all of them make a very, very twisted team. And yes, they write very dark stuff and totally mind-bending. People are reluctantly clapping. Thank you very much.
Sorry? People are clapping reluctantly. Everyone loves Dark and Twisted these days, Varun. Yeah. Everyone does. Yeah. And Asur is a show to watch out for, guys. It will really take you on a roller coaster ride. Fabulously written and put together. Thank you. Thank you all. Yes. I just want to say one quick thing. I love how Monica started this by saying this is my most favorite show. And we all know what impeccable taste she has, so thank you. Oh, thank you. You're going to get me beaten anyway. So we get up. Okay, thank you guys. Thanks. Varun, could you move backstage? Yeah. Yes, thank you. Yes, on to the next one quickly. I'm going to scram now. Prateek. Thank you. Prateek, who plays a young doctor and an idealistic doctor. But there is a twist to him also in the series, and we will find out. Yes. We will find out. Yes, we will. Yes, and I'd like to call upon the hit director, the director of the latest hit, Hitchki, Siddharth P. Malhotra, who's producing it. The dynamic duo of writers, they look very small, but my God, what big brains they have. Agrim and Debu with a long name, which I cannot pronounce. Yes, thank you very much, guys. It's absolutely fabulous to be working on this show with you guys. And I would have loved to have you guys say something, but we are really doing very short on time. Yeah, so if one word, whatever. Please watch our show. Great, great. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Okay. Quickly. She's like, say one. Here are the creators. Catch them if you don't like the show. We give absolute freedom of responsibility to all our creators. So everybody you're seeing on stage, all the producers, writers, you know whose doorbells to ring and what to say and who to diss on Twitter. Okay, thank you people. Thank you. Thank you very much. Yes. And very quickly guys, after the sizzle. Thank you, thank you. And Anaita is the wonderful, wonderful hostess of a very different chat show. It completely redefines chat shows. And I don't think I should be speaking about it. Anaita, let's just show them the trailer first. Absolutely. And then I'll have you speak. And also, I would like to call upon Anita Horam, the director. And where do I see Anita? Director Condé Nast. Director Condé Nast. Anita, please be on stage. Come. Yes, and I'd like all of you to see the trailer of Eat Up with the Stars. Yes, please come, Anita. Yes, so this show, Eat Up with the Stars, is live now. It's streaming right now as we speak on Voot. And I would just like to ask Anita to say something about her show. Ooh, what will I say? I don't know. It's what did you guys think? Do you think you want to see more? But let me tell you, it's actually quite a calm ride, okay? It's more about just two friends hanging out, chatting about anything, like ice cream, love, acting, anything that comes up naturally. Like after a long day at work, when you're tired, you shower, get into your pajamas, get a drink, and have a conversation. In fact, Anita and I were talking in the office about how every time you see someone on a show, they're very dressed up and quite like, and maybe erect is not the right word, but quite proper. And I just thought it would be nice to break that. Yes, and our lovely friends at Voot. Tanya, where are you? Is she around? Tanya? She's left Tanya. Me yet again. Well, yeah, so they came in and added the right amount of mirchi, which makes it exciting, and I hope everybody really enjoys it. Thank you, Anaita. Thank you, Anita. Mm-hmm. Guys, download the app right now to catch the first episode of Feet Up with the Stars. Yes, thank you, Anaita. You. Please, backstage. Thank you, Monica. All. So,
So this was...